मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आरक्षण के मामले में उन्होंने कहा कि भाजपा प्रदेश के नेताओं के बात पर नहीं आना चाहिए। राज्यपाल अब दुविधा में फंस गई है। वह स्वयं बोली थी कि एक दिन एक घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी, लेकिन एकात्म परिसर से चिट्ठी पर्ची आई और फिर अटक गई। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि आरक्षण के मामले में राज्यपाल अनुसुईया उइके दुविधा में है। केंद्रीय मंत्री अमित शाह इस मामले में सचेत रहे, इस प्रकार की कोई बात ना करे, क्योंकि जितने भी घोटाले हुए हैं वो बीजेपी के रमन सिंह के शासनकाल में हुए। अमित शाह भी ये बात जानते हैं। प्रदेश के नेताओं के बात में नहीं आना चाहिए। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बात में आके राज्यपाल दुझम पद गई हो। पहले तो बोली थी एक दिन में एक घंटे में हस्ताक्षर कर दूंगी, लेकिन वो एकात्म परिसर से पर्ची आया, उसके बाद वो अटक गया है। तो आज आरक्षण के मामले में दुझम है राज्यपाल। अमित शाह जी भी कल आए और बोल के गए थे, इनकी मैं वही कह रहा हूँ, राज्यपाल दुझम फंस गए। केंद्रीय मंत्री कम से कम सचेत रहे, इस प्रकार की बात न करें, क्योंकि जितने घोटाले हुए तो रमन सिंह के शासनकाल में वो सब जानते हैं।